हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो उम्मीद है सभी लोग यहाँ पे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से इस लॉकडाउन का पालन भी कर रहे होंगे और सभी लोग अच्छे से यहाँ पे पढ़ भी रहे होंगे। ठीक है, तो एक बहुत ही अच्छी सी खुशखबरी आप सभी को यहाँ पे देनी है। जैसा आप सभी लोग मेरी क्लास यहाँ पे देखते हो वाईफाई स्टडी स्टूडियोज़ पे, 4:30 से 5:30 मेरी क्लास होती है यहाँ पे, तो नए नए क्वेश्चंस वहाँ पे भी मैं प्रोवाइड करता हूँ। और आप सभी के लिए एक बहुत बढ़िया कोर्स आप सभी के लिए लेके आया हूँ, जो आप सभी लोग स्क्रीन देख सकते हो कि RRB NTPC और ग्रुप डी का। अगर आपको सिलेक्शन पक्का करना है तो आपको इस कोर्स के साथ जुड़ना होगा। ठीक है, तो ये जो कोर्स है ये कब स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है 12 मई को। और तो आइए जानते हैं कि इस कोर्स में ऐसा क्या खास है और इस कोर्स में कौन कौन से चैप्टर्स होने वाले हैं और इस कोर्स की जो टाइमिंग है वो क्या होगी। ठीक है, तो इस पूरे बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो लेकिन सबसे पहले एक बहुत ही अहम सवाल जो आपके सभी के मन में उठ रहा होगा उसका मैं क्लियर कर देता हूँ। आप सभी के मन में ये उठ रहा होगा कि सर, हम लोग रेलवे की तैयारी कर तो रहे हैं, हम लोग ग्रुप डी की तैयारी कर तो रहे हैं, क्या एग्जाम होगा कि नहीं। तो मैं आपको बिल्कुल यकीन दिला देता हूँ यहाँ पे कि आप तैयारी करते रहिए, एग्जाम 110% होगा। यानी NTPC और ग्रुप डी का एग्जाम होना ही होना है। थोड़ा सा लेट हो सकता है लेकिन ये एग्जाम होगा। लेकिन अगर आप तैयारी नहीं करेंगे, ठीक है, और सपोज करिए आज से 4 महीने या 5 महीने बाद एग्जाम हुआ, तो 4 से 5 महीने में आप अगर तैयारी नहीं करेंगे तो आप बहुत ही पीछे चले जाएंगे। अगर एग्जाम होता है देन आपको उस समय ये सोच लगेगा कि यार काश उन दिनों हमने पढ़ लिया होता, काश हमने सर की बात मान ली होती, ठीक है, और हम तैयारी कंटिन्यू करते अपनी, यानी जारी रखते, तो आज मेरा सिलेक्शन यहाँ पे पक्का था। तो इसलिए तैयारी करते रहिए, सिलेक्शन को कभी मत हाथ से मत जाने दीजिए, अपनी प्रिपरेशन अपनी तैयारी यहाँ पे जारी रखिए। ठीक है, तो उसी को देखते हुए आप सभी को मैं यहाँ पे बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि RRB NTPC ग्रुप डी का जो बैच स्टार्ट हो रहा है ये कब से हो रहा है। ये हो रहा है 12 मई से स्टार्ट हो रहा है। इसमें कौन कौन से चैप्टर्स मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, तो आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखा होगा कि इसमें ऐसे चैप्टर पढ़ाएंगे जिन्हें आप हमेशा छोड़ देते हैं या जिन्हें आप ध्यान नहीं देते। अगर आपको 30 out of 30 यहाँ पे टारगेट करना है तो हमें ऐसे चैप्टरों को पढ़ना होगा। ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिनमें यूट्यूब में भी उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, बहुत ज़्यादा ध्यान होकर नहीं पढ़ाया जाता है, जिनका कंसेप्ट अगर क्लियर ना हो, ठीक है, तो वो क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो उन सारे चैप्टर्स की हम लोग आज बात करने वाले हैं और ऐसे चैप्टर आपके सामने होंगे। तो जब ये चैप्टर आप सभी के सामने होंगे तब आप 30 में से 30 टारगेट कर पाओगे, आप 30 में से 30 पूरा यहाँ पे देख पाओगे। ठीक है, चलो तो आपको एक चीज मैं अभी बता देना चाहता हूँ कि आप अभी भी NTPC और ग्रुप डी की तैयारी कर सकते हैं, तो समय बर्बाद बिल्कुल ना करें, इसका सही उपयोग करें। एक बार कोर्स पूरा करने का अंतिम मौका आप सभी के पास यहाँ पे है। तो चलिए आइए देख लेते हैं कि वो कोर्स कौन कौन से हैं। तो जो चैप्टर मैं यहाँ पे इस कोर्स में कवर करने वाला हूँ वो आप चैप्टर यहाँ पे देख सकते हो। परम्यूटेशन हो गया, कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के जब क्वेश्चंस आते हैं ना, तो बहुत लोग यहाँ पे सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि कैसे करें, इस टाइप के क्वेश्चंस को नहीं समझ में आ रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा, कंसेप्ट नहीं पता है। ठीक है, तो वो सारे चैप्टरों की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। वो कौन चैप्टर है, परम्यूटेशन हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, वेन डायग्राम हो गया, वेन डायग्राम से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लीनियर इक्वेशन से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, एलसीएम एससीएफ एक ऐसा चैप्टर, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बहुत लोग नहीं सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, इसी टाइप से रेस आपका एक चैप्टर है और रेस के क्वेश्चन जब आ जाते हैं तो लोग अक्सर इसको स्किप कर ही देते हैं। ठीक है, और पार्टनरशिप के भी कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं तो जो आपको यहाँ पे समझने होंगे। इन सभी का जो कोर्स यहाँ पे चलेगा, परम्यूटेशन हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गया, ये पूरा डिटेल के साथ आपको बताया जाएगा, फुल डिटेल के साथ होगा, जिसमें आपका कॉन्सेप्ट प्लस आपका यहाँ पे ट्रिकी अप्रोच जो भी बनती है वो सारी ही चीजें यहाँ पे चल पाएंगी। तो डिटेल होगा यहाँ पे, पूरा फुल कोर्स होगा, कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिकी क्लासेस यहाँ पे होती रहेंगी। ठीक है, तो ये इसलिए आपको यहाँ पे इस कोर्स को समझना है और ये चैप्टर आप सभी के सामने यहाँ पे आ, तो इन चैप्टर को अगर आप कर लेंगे देन आप बाकी के चैप्टर तो सभी लोग करेंगे लेकिन जो इन चैप्टरों के क्वेश्चंस कर पाएगा वही 30 out of 30 यहाँ पे पा पाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल। चलो तो आगे अब हम देख लेते हैं कि इस कोर्स के फीचर्स क्या क्या है, इसमें क्या क्या मिलने वाला है। जैसा मैंने आप सभी से कहा, इसमें आपको थ्योरी मिलेगी,
थ्योरी के साथ साथ आपको पहला पॉइंट थ्योरी मिलेगी आपको, मतलब कॉन्सेप्ट, बेस्ट अप्रोच मिलेगी ईच क्वेश्चन की। यानी कभी कदार क्या होता है ना कि हर एक क्वेश्चन की एक बहुत बढ़िया अप्रोच होती है, तो उस हर एक क्वेश्चन की अप्रोच आपको मिलेगी। पीडीएफ विद डोनेशन आपको मिला जाएगा। डाउट प्रॉब्लम सॉल्व होगा बाई मेल या टेलीग्राम के द्वारा। तो टेलीग्राम पे आप क्वेश्चन सेंड करेंगे, आप मेल पे क्वेश्चन सेंड करेंगे, उसका सोल्यूशन प्रॉपरली दिया जाएगा। प्रैक्टिस सीट आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो सर अगर एक चैप्टर आपका, सपोज करो अगर आपका चैप्टर यहाँ पे क्या कहते हैं कि परम्यूटेशन हुआ, तो परम्यूटेशंस में जो भी क्वेश्चंस बनेंगे 100-200, वो आपकी प्रैक्टिस सीट यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा आप सभी लोग यहाँ पे चीज़ों को समझ सकते हैं। तो अब इस कोड को कैसे परचेज करेंगे, ये कौन सा कोड है, कौन से कोड से इसको मिलेगा, तो आप सभी लोग ध्यान रखना, सब्जेक्ट का डिटेल कोर्स निगम 10 कोड यूज करने पर ही मिलेगा। आप सभी लोगों को कौन सा कोड यूज करना है, निगम 10, ठीक है। तो निगम 10 में कोई भी स्पेस नहीं होगा, विदाउट स्पेस निगम 10 का कोड यूज करके आपको ये कोर्स मिल पाएगा। अब कुछ आपके सवाल होते हैं जो आपको मैं जवाब पे जवाब देना चाहता हूं। आपके सवाल होते हैं, सबसे पहला कि सर क्या इसमें ऑल सब्जेक्ट मिलेगा? जी हाँ बिल्कुल, इसमें ऑल सब्जेक्ट मिलेगा, मैथ्स भी मिलेगी, रीजनिंग भी मिलेगी और जीके भी मिलेगी। दूसरा सवाल आपके मन में होता है सर क्लास लेवल क्या होगा, तो क्लास लेवल 0 to advanced होगा। तीसरा आपके मन में डाउट होता है कि सर डाउट सेशन कब होगा, तो आफ्टर हर तीसरे सेशन में आपका डाउट सेशन होगा। आपको पीडीएफ एसेसमेंट की जाएगी, क्वेश्चंस विद लीडर बोर्ड होगा जिसमें आप अपनी रैंक देख सकते हो, न्यू पैटर्न क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और प्रीवियस ईयर सेट डिस्कशन के भी क्वेश्चंस यहां पे होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहां पे प्रोवाइड की जाएंगी। अब इस कोर्स को लेना कैसे है तो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप क्या करोगे, एज यूजुअल अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करोगे। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, इसको ओपन करना है, और ओपन करने के बाद फिर आपको यहाँ पे कहेगा एक मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड करो। ये मोबाइल नंबर आपको दे रखा है, तो इस मोबाइल नंबर से आप रजिस्टर्ड करोगे, जो भी आपका मोबाइल नंबर है उससे आप रजिस्टर्ड कर लोगे। रजिस्टर्ड करने के बाद ओटीपी आएगा, ओटीपी करने के बाद रजिस्टर्ड हो जाएगा। तुरंत आपसे कहेगा गोल को सिलेक्ट करिए। आप गोल कौन सा सिलेक्ट करोगे, आप परचेज कर रहे हो रेलवे का, तो आप गोल यहाँ पे जाओगे, इस तीन कॉलम पे क्लिक करोगे, तुरंत गोल आ जाएगा। इस तरीके से एसएससी, बैंक, सीडीएस, ये कैट, जीमैट, लॉ एंट्रेंस, इसी तरह से आपको नीचे एकदम जाना है। सबसे नीचे आपको मिलेगा रेलवे एग्जाम, तो आप सभी लोग रेलवे एग्जाम के गोल को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही सिलेक्ट कर लोगे, अभी देखो यहाँ एसएससी सिलेक्ट है तो एसएससी आया, आप रेलवे सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे रेलवे एसएससी की जगह क्या लिख देगा, रेलवे लिख देगा। जैसे ही आपने इसमें रेलवे को सिलेक्ट किया, ठीक है, तुरंत आप सभी के सामने कह देगा कि रेलवे आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। तुरंत आप आगे बढ़ोगे, आपसे कहेगा गेट सब्सक्रिप्शन, ये गेट सब्सक्रिप्शन है। आप सभी लोग गेट सब्सक्रिप्शन पे चले जाओगे। गेट सब्सक्रिप्शन के पास आपके पास कहेगा कि आपको कितने मंथ्स का परचेज करना है, 1 month, 2, 3 month, 6 month, 12 month या 24 month। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ, आप लोग NTPC की तैयारी करोगे, प्री की, मेन्स की, ग्रुप डी की भी करोगे, तो आप मिनिमम 6 to 12 months का यहाँ पे परचेज कर सकते हैं, या तो 6 months का या तो 12 months का। अगर आप 12 months का परचेज करते हैं, जिसकी आपको फीस यहाँ पे दिखाएगा कितना, यहाँ पे आपको फीस दिखाएगा 12 मंथ्स की 6000। आप जैसे ही इसको निगम 10 कोड का यूज करोगे, तुरंत ये फीस सस्ती हो जाएगी और आपको 5400 यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। तो तुरंत आप इसको करोगे, आपको 5400 यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है, आप इसको परचेज कर सकते हो। और ध्यान रखना कोड कौन सा यूज करना है, निगम 10 आपको कोड यूज करना है, ठीक है, और निगम 10 कोड यूज करके इसको आप अप्लाई कर दोगे तो तुरंत अप्लाई हो जाएगा और ये फीस आपकी एकदम सस्ती हो जाएगी, ठीक है। तो 12 मंथ्स की फीस आई थिंक यहाँ पे 6000 है, तो आप 54 से दिखा सकते हो। सकता है किसी आप क्या कहते हैं कि रेलवे का भी यहाँ पे जैसे सिलेक्ट है, रेलवे का हो सकता है यहाँ पे कितना हो आपका, 5000 हो, तो 500 कम हो करके आपको 4500 ही पड़ेगा, ठीक है, 4500 रुपये आपकी पड़ेगी एक साल की, ठीक है। उसके बाद आप प्रोसीड टू पेमेंट कर देंगे, देन आपके सामने पेमेंट की स्लाइड आ जाएगी। पेमेंट की स्लाइड आते हैं, क्रेडिट, डेबिट कार्ड किसी से भी यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से कोर्स करने का मैं आपको फिर से बता देता हूँ, एक बार कोर्स करने का आप सभी के पास अंतिम मौका है। तो अभी भी आप NTPC ग्रुप डी की तैयारी कर सकते हैं, समय बर्बाद बिल्कुल ना करें, इसका सही उपयोग करें, और एक बार कोर्स पूरा करने का अंतिम मौका आप सभी के पास है। तो ये जो बैच स्टार्ट हो रहा है, ये कब से हो रहा है, 12 मई से हो रहा है। तुरंत ही आपके साइट में अकेडमी ऐप में ये बैच स्टार्टिंग दिखा देगा, ठीक है। इसकी जो टाइमिंग रहेगी मैं आपको बता देता हूँ, इसकी जो टाइमिंग रहेगी वो आपकी मॉर्निंग की टाइमिंग रहेगी, ठीक है, मॉर्निंग की टाइमिंग रहेगी, यानी मॉर्निंग में ये बैच आपका यहाँ पे चलेगा, ठीक है। वो मॉर्निंग का टाइम मैं आपको बता देता हूँ,
इस मॉर्निंग का टाइमिंग जो आपका रहेगा वो रहेगा 11 AM, सुबह 11 बजे ये बैच आपका यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट इस कोर्स को सभी लोग यहाँ पे अवेल कर लो, 12 मई से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अगर चाहते हो आप सभी लोग इस कोर्स को अच्छी तरीके से करना, सिलेक्शन लेना, तो जल्द से जल्द कोशिश कर लो और निगम 10 कोड का यूज करो। चलो बाय बाय फ्रेंड्स, सभी लोग यहाँ पे अच्छे से रहिए, खुश रहिए और लॉकडाउन का पालन करते रहिए। ठीक है, ओके बाय बाय मित्रों, सभी को यहाँ पे मेरा नमस्कार। और एक चीज आप सभी को और बतानी थी, एक चीज आप सभी को यहाँ पे और बतानी है कि आप मेरे जो भी इन अकेडमी ऐप है उसको आप मेरे प्रोफाइल को आप फॉलो कर लेंगे, फॉलो कर लेंगे तो आप स्पेशल क्लास भी ले सकते हो। जो भी स्पेशल क्लास मेरी NTPC की चल रही है, ग्रुप डी की चल रही है, SSC की चल रही है, तो ये होगी आपके SSC वाले सेक्शंस में होगी, NTPC की भी, SSC की भी। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे भी अवेल कर सकते हो, आप इसको यहाँ पे फ्री क्लासेस आप यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, बाकी किसी को कोई भी डाउट हो तो suresh.nigam@wifi.com पे आप मुझे मेल कर सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो suresh.nigam10, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। ठीक है, एक बार ये स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलो आज के लिए इतना ही, ओके बाय बाय सभी लोग, थैंक यू, खुश रहिए, अच्छे से बात करिए और जल्द से अच्छे से सिलेक्शन भी, थैंक यू।